एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 198 आपके सामने जो बुक है उसके मुताबिक मैंने आपको फर्स्ट 1 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन करा दिए थे, 13 करा दिया था, 14 कराया था, जल्दी से बताइए, शाबाश, 14 कराया था, 14 हो गया था, 15 हो चुका है, 16, 18 हो चुका है, 17 हो चुका है, 19 का कंफर्म करें, 19 हुआ है या नहीं हुआ है, 17, 18, 19, 17 तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्यूब के फॉर्मूला से ओपन करना है, तो क्या आपसे ये क्यूब के फॉर्मूला से ओपन नहीं हुआ था? कंफर्म करें, चले 17 से करा रहा हूं मैं, जल्दी से देख ले, शाबाश। 17 जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, 17 वो है इंटीग्रेट अंडर रूट थीटा माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा और डी थीटा, ये आपका सवाल है। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें ये बात समझना जरूरी है कि इस क्वेश्चंस में आगे का काम क्या होगा। हमने कुछ स्टार्टिंग तो इसका पढ़ा है लेकिन और भी कुछ बेसिक्स बातें हैं जो कि अब सीखनी है। इस थीटा को सॉल्व करने से पहले बेटा हमें ये काम करना होगा कि हम इसके फॉर्मूले की बात भी करें कि ये जो ऊपर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले आपने फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि थीटा थीटा माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला अंडर रूट थीटा डी थीटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे और वो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, और फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मैंने आपको बताया था ऐसे दो फॉर्मूले होते हैं, हमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले के तहत करना होगा। तो इंटीग्रल a क्यूब की जगह आ जाएगा अंडर रूट थीटा का क्यूब माइनस 3 अंडर रूट थीटा का स्क्वायर, और b की जगह आएगा 1 अंडर रूट थीटा बी स्क्वायर की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब की जगह आएगा 1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा। ये स्टेप यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि भाई ये जो अंडर रूट थीटा है उसके साथ रूट मौजूद है, तो अगर हम इसको यहीं पर ही और पावर बना दें 1/2 तो गलत नहीं होगी, क्योंकि रूट को हटा के पावर बनती है 1/2 और 3 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 3/2। इसी तरह ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहां पर भी हम पावर बना सकते हैं थीटा, लेकिन इधर नीड नहीं है, बहरहाल सिर्फ इसमें नीड थी तो हमने यहां पर ये काम कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेट थीटा बन जाएगा 3/2 और यहां आ जाएगा 3 थीटा ओनली प्लस 3 अंडर रूट थीटा और माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा। अब ये जो अंडर रूट थीटा है ये एलसीएम ब्रेक हो जाएगा सबके साथ, तो इंटीग्रेट थीटा 3/2 अंडर रूट थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अच्छा, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं वैसे,
लेकिन अगर अभी फिलहाल आप इसको साथ करें तो कोई इशू नहीं है, बाद में इसको अलग अलग कर लेंगे। प्लस थ्री अंडर रूट थीटा अपॉन अंडर रूट थीटा और माइनस वन अपॉन अंडर रूट थीटा, हमने एलसीएम ब्रेक कर दिया सबके नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये थीटा की पावर वन अपॉन टू है, ये थीटा की पावर वन अपॉन टू है, तो हम क्या करेंगे, ये वन अपॉन टू है तो हम इस थीटा को रिप्लेस करेंगे और डायरेक्टली पावर क्या लगा देंगे, वन अपॉन टू। यहां पर भी ये पावर वन अपॉन टू से रिप्लेस हो जाएगी और यहां पर भी ये पावर वन अपॉन टू से रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, यहां वन अपॉन टू से नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि थीटा से थीटा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर पावर क्या पड़ेगी, वन अपॉन टू। तो हम क्या करेंगे, अगर बेसिस डिवाइड होती है तो पावर माइनस होती है, तो इंटीग्रल थीटा थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, ऐसे लिखेंगे इसको, थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू। इसी तरीके से थ्री थीटा के साथ क्या होगा, बेसिस डिवाइड पावर माइनस वन अपॉन टू, यहां सिर्फ थ्री बचा है और यहां पर जब थीटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर आएगा ये माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर हम एलसीएम लेंगे, यहां पर हम लेंगे एलसीएम, तो टू का लेंगे एलसीएम, तो बेटा टू का एलसीएम लेंगे, थ्री माइनस वन बनकर हो जाएगा वन अपॉन टू। तो यहां पर ये स्टेप कर रहा हूं, थीटा की पावर क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू, सॉरी थीटा की पावर हो जाएगी टू अपॉन टू, क्योंकि बेस अगर एलसीएम सेम नंबर का होता है तो ऊपर वाला नंबर नीचे उतरेगा और थ्री माइनस वन टू अपॉन टू हो जाएगा, और ये टू से टू कैंसिल भी हो सकता है आफ्टर। यहां एलसीएम के बाद क्या होगा, यहां एलसीएम के बाद अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये प्लस वन अपॉन टू बन जाएगा, यहां पर तो एलसीएम की नीड ही नहीं है, और ये अगर हम देखें तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया है। अब करना क्या है इसमें, अब करना ये होगा हमें कि हमें इंटीग्रेट करना होगा सेपरेटली। तो पहले आप यहां तक कॉपी करें जल्दी से, शाबाश, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहले कॉपी कर लें। अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, यानी के अच्छा इन सब में शुरू से आपके पास डी थीटा कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है, याद रखिएगा ये डी थीटा आपके पास सबके लिए लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम सेपरेट करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट थीटा डी थीटा माइनस थ्री बाहर आएगा, इंटीग्रेट थीटा वन अपॉन टू डी थीटा, ठीक है। फिर यहां पर तो सिर्फ कांस्टेंट थ्री है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहां पर माइनस इंटीग्रेट थीटा माइनस वन अपॉन टू, थीटा माइनस वन अपॉन टू और डी थीटा, ये हमने सेपरेट कर दिया, पूरे फंक्शन को इंटीग्रेशन से पहले सेपरेट कर दिया, सही है भाई। तो अब काम क्या होगा, अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका, हम थीटा का अगर इंटीग्रेट करें तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन के लिए जरूरी बात यह है कि उसका डेरिवेटिव वही मौजूद हो, तो थीटा का डेरिवेटिव विदाउट पावर वन मौजूद है तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पावर में एक प्लस होगा और यही काम नीचे भी होगा, पावर में एक प्लस होगा और यही काम नीचे भी होगा, डिनोमिनेटर में भी, और यहां पर भी हम यही काम करेंगे। अच्छा, इसमें मसला यह है कि सिर्फ थ्री है तो थीटा में अगर पावर जीरो हो, जीरो में वन ऐड होगा और यही काम नीचे होगा, और ऊपर भी हम यही काम करेंगे, तो माइनस
थीटा में माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, यही काम नीचे भी होगा, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, और आखिर में आ जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट। लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग के दरमियान छोड़ा था और मैंने कहा था ये सवाल लेकर आइएगा, जब डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर बेटा आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के बाद आपके पास सी क्यों नहीं आता। रीजन मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या आप लोगों ने ये रीजन फाइंड कर लिया? जल्दी से बताइए, शाबाश। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या करना है जरा देख लो, थीटा में वन प्लस वन होगा, ये बनेगा आपके पास टू और नीचे भी टू, इसी तरीके से यहां पर आपके पास आफ्टर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू, और नीचे भी आ जाएगा थ्री अपॉन टू। ठीक है, यहां पर क्या होगा सिर्फ थ्री थीटा होगा, और यहां पर क्या होगा थीटा की अगर हम एलसीएम ले लें यहां पर तो वन अपॉन टू ऊपर और नीचे भी वन अपॉन टू प्लस सी। अच्छा अब अगर हम बात करें तो वन अपॉन टू स्टार्ट में लिख दिया आपने थीटा की पावर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टी ये टू नोमिनेटर से टू थ्री द सिक्स और सिक्स थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो हम थ्री से थ्री कैंसिल करके टू ऊपर लेकर आ सकते हैं, टू थीटा थ्री अपॉन टू प्लस थ्री थीटा, यहां पर ये टू रेसिप्रोकल हो जाएगा और थीटा वन अपॉन टू का मतलब है रूट लगा सकते हैं यहां पर प्लस सी। अब अगर बहुत ज्यादा स्टेप हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि थ्री अपॉन टू को भी मैं रूट में लिख दूं तो ये स्टेप बन सकता है, इससे ज्यादा इसमें और मजीद स्टेप नहीं होगा। सब बच्चों की तवज्जा बोर्ड पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 को हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फंक्शन आपका यहां डिनोमिनेटर में मौजूद है और फंक्शन के ऊपर पावर है 2/3 और हम देख रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद नहीं है ऊपर dx के साथ, तो क्या काम करेंगे हम 2x+3 अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा आंसर निकलेगा 2 विदाउट पावर, विदाउट पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2, अगर ये 2 है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए था लेकिन नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट ऐसे नहीं कर सकते। फिर हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें वो वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें और 2 से डिवाइड भी करा दें, एक स्टेप तो ये वाला था जो मैंने सबसे पहला स्टेप क्लियर किया था, लेकिन सेकेंड स्टेप ये हो सकता है कि मैं अगर यहां पर ये काम कर दूं कि भाई अगर मैं यहां पर लेट कर लूं इस फंक्शन को कोई वेरिएबल तो साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा, और ये स्टेप अभी तुम्हारे 6.3 में भी काफी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेटा सॉल्यूशन करते वक्त आपने इसको लेट कर लिया, आपने लेट कर लिया u के बराबर 2x+3। अब डेरिवेटिव जब आप करेंगे du अपॉन dx तो d 2x अपॉन dx d 3 अपॉन dx तो du अपॉन dx ये बना 2 और ये बना 0, तो 0 को तो लिखेंगे भी नहीं, dx वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो du बराबर हुआ 2dx के। अब समझिए भाई, दोबारा क्लियर करें, बताता हूं बेटा आपका इसका सवाल का जवाब देता हूं, पहले आप इसको क्लियर करें। देखिए अब मुझे यहां पर इस जगह पर तो u कंसीडर कर सकता हूं लेकिन dx की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू तो यहां से निकालनी पड़ेगी,
तो मल्टीप्लाई होने वाला टू वहां डीयू के पास जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डीयू अपॉन टू बराबर हुआ डीएक्स के, डीयू अपॉन टू इज इक्वल टू डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू हो गई डीयू अपॉन टू और बाकी आपका फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, dx की जगह आ जाएगा du अपॉन टू और नीचे आ जाएगा u की पावर 2 अपॉन 3। अब ऊपर डेरिवेटिव आ गया है, यानी अब डेरिवेटिव तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमने बेसिकली इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लिया है। तो ये जो du अपॉन 2 है ये 1 अपॉन 2 बन के बाहर निकल जाएगा और u ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 du। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, 1 अपॉन 2 यू में पावर 1 ऐड हुआ, यही काम नीचे भी हो गया और आगे प्लस सी, आगे प्लस सी, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, इसका अगर हम एलसीएम लें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 1 अपॉन 2 U का अगर हम एलसीएम लें, टेकिंग एलसीएम, आफ्टर टेकिंग एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 अपॉन 3, यही काम नीचे भी होगा 1 अपॉन 3 प्लस C, 3 को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आए तो ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन 2 भी बन सकता है, ऐसे 3 अपॉन 2 U की पावर 1 अपॉन 3 प्लस C। और अब आप U को वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि u की वैल्यू क्या सपोज की थी 2x अपॉन 3, तो 3 अपॉन 2 2x प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस c। ये सवाल आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है, ये बात ध्यान में रहे कि हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है। दूसरा स्टेप जो आसान वाला है वो ये हो सकता है कि मेरे पास ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डायरेक्ट कर दूं, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डायरेक्ट कर दूं। देखो ये बात समझना जरूरी है कि dx की वैल्यू क्या है हमारे फंक्शन में, अब du अपॉन 2 और हमारे फंक्शन को हमने u सपोज कर लिया है तो उसके ऊपर पावर क्या आ गई 2 अपॉन 3। अब हमने ये जो du के नीचे अपॉन 2 है इसको 1 अपॉन 2 बना के बाहर लिख दिया एज अ कॉन्स्टेंट एज अ कोफिशिएंट, और du अपॉन 2 को डायरेक्ट इंटीग्रेट, du को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे लेकिन u रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 और फिर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे प्लस 1 में इंटीग्रेट के रूल से और ये आगे फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई है उसी रूल से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट, 1 माइनस 1 2x² प्लस 4 का होल क्यूब और ब्रैकेट 4x एन dx। अब अगर आप देखो और से तो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, विदाउट पावर फंक्शन को देखना है तो 2 2 4x और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 4x बाहर मौजूद है, यानी इस सवाल को डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो बेटा ये जो x की लिमिट है इसको चेंज भी करना होगा मुझे
और अगर मैं यू सपोज करूंगा तो मुझे यू की लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ये स्टेप अभी फिलहाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूं, दोनों मेथड अभी बोर्ड में लिखवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अब हम इंटीग्रेट करें तो बेटा क्या होगा, 2x² + 4 की पावर में 1 ऐड हो गया, और यही काम डिनोमिनेटर में भी हो गया, और ये काम जो अपर और लोअर लिमिट है ये आपके पास इस तरह नीचे आ जाएगी। सही है? अब बात को समझिए, हमने इंटीग्रेट भी कर दिया और हमने इसको अपर और लोअर लिमिट के साथ इसके एंड्स पर अपर और लोअर लिमिट मौजूद रखी। अब देखें 2x² + 4 की पावर क्या हो जाएगी, 4, नीचे भी क्या हो जाएगा 4, और अपर और लोअर लिमिट क्या आएगा बेटा, अपर और लोअर लिमिट आएगा 1 और -1। अब ये 1/4 अलग कर देंगे, 4 नीचे वाला, ये 1/4 बना के अलग कर देंगे, 1/4 2x² + 4 लिमिट 1 और -1। अब हम बकायदा तौर पर इस फंक्शन में x की जगह पर इस लिमिट्स को पुट कर देंगे, तो 2 1² + 4 ब्रैकेट क्लोज 4 -2 -1² + 4 की पावर 4, और ऐसे लिमिट अप्लाई करने पर आपका कांस्टेंट नहीं आता। जरा सुन लीजिए, क्यों नहीं आता, इसका रीजन वैसे मैंने आप लोग के पास छोड़ा था लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे आंसर नहीं दिया है, तो अब मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा क्यों नहीं आता, रीजन बताऊंगा। बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 1 = 2 + 4। 1 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 + 4 = 4, ये 6 की पावर 4 हो जाएगी, ये भी 6 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस माइनस की वजह से 0 आएगा, 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगी ये क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे डेरिवेटिव का आंसर इस क्वेश्चन का 0 आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, मैजियार ने जवाब दिया है, और मैजियार ने जवाब पता नहीं किसको बोल के दिया है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कैसे क्यों होता है। आप पेज नंबर ओपन करें 196 और 196 पर रीजन मौजूद है, 6 पॉइंट उसके नीचे मौजूद है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, वी डिफाइन द क्वांटिटी। अब इसके नीचे वाली लाइन देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल बी ऊपर ए नीचे f(x) dx। नेक्स्ट पेज पे देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेकेंड लाइन देखें लिखा हुआ है f(x) + c और ब्रैकेट बी और ए। जब हम बी को फंक्शन पे पुट करेंगे और ए को फंक्शन में पुट करेंगे तो बेटा 2 दफा c होगा। देखो फर्स्ट स्टेप में तो सी रखेंगे, गौर से सुनिए, इस फर्स्ट स्टेप में तो सी होगा, लेकिन जैसे ही तुम इसको क्या करोगे, जैसे ही तुम इसमें लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो एक दफा प्लस सी आएगा और एक दफा माइनस सी आएगा, और वो प्लस सी और माइनस
सी कैंसिल होकर आपके पास फाइनल आंसर में कॉन्स्टेंट खुद हट जाएंगे। तो ये बात समझाई जाती है कि लिमिट्स को अप्लाई करने के बाद ये काम होता है। देखें, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा कि सब्स्टिट्यूशन तो जब होगी ना जब फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा, बट आपने अभी कहा क्वेश्चन नंबर 19 में भी सब्स्टिट्यूशन होगी। देखो, सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक फंक्शन के डेरिवेटिव से सिर्फ नहीं है। भाई मैं चाहता हूं, मेरा फंक्शन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मेरी कॉपी में जगह नहीं है, मैं इसको यू सपोज करके कर लूं और आखिर में यू की जगह वापस पुट कर दूं, तो जब मैं यू सपोज करके करूंगा तो उसका डेरिवेटिव डीएक्स भी चेंज होगा। यानी अगर मैं इसको यू सपोज कर रहा हूं तो ये डीएक्स भी चेंज होगा और डीएक्स बनेगा डीयू बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन का ताल्लुक इस डेरिवेटिव से नहीं है, ये जहन में रहे। आप सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव होने के बाद भी कर सकते हैं कि फंक्शन बहुत बड़ा है, मैं उस जगह यू सपोज कर लूं और एंड में यू की जगह वापस पुट कर दूं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप यू सपोज करेंगे तो आपकी अपर और लोअर लिमिट भी यू के हिसाब से होनी चाहिए। वो कैसे चेंज होती है वो मैं अब आपको इसका दूसरा फॉर्म समझाता हूं और वहां से भी क्लियर करता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहां समझ और तवज्जो के साथ अब आप देखिएगा, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 और यहां पे समझा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसको ऐसे भी क्लियर कर लीजिएगा। दोनों बातें अच्छी हैं, आप इसको समझ लें। जब हम लेट कर लेंगे बेटा यू को, जब हम यू को लेट कर लेंगे, जब हम यू सपोज कर लेंगे हमारे फंक्शन को, तो बेटा डी यू अपॉन डी एक्स और टू टू जा फोर एक्स, डी यू इज इक्वल टू फोर एक्स डी एक्स। अब समझिएगा, पिछले सवाल में तो यहां डेरिवेटिव हम बनाते थे लेकिन अब तो दिया हुआ है भाई, डी यू की वैल्यू फोर एक्स डी एक्स हो गई है, वरना पिछले सवाल में यहां फोर एक्स नहीं होता था तो हम क्या करते थे कि भाई अगर dx की वैल्यू निकाला है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 4x को आगे डिवाइड करते थे। लेकिन यहां तो बताया था डेरिवेटिव मौजूद है। अब ये तो हो गया dx की जगह पर, अब मुझे लिमिट जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, लिमिट अकॉर्डिंग टू यू, यू लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसी फंक्शन के ऊपर हम एक दफा प्लस वन पुट कर देंगे और एक दफा माइनस वन पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू वन, तो बेटा u बराबर हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस फोर, वन का स्क्वायर वन, टू वन जा टू प्लस फोर, तो पहली लिमिट आई सिक्स। दूसरी लिमिट के लिए भी पुट करेंगे पुट u इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो बेटा u टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर, और ये बन जाएगा वन का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो बेटा आपकी लिमिट यहां पर भी क्या बनेगी, सिक्स। अब आपका एक लिमिट a जो आ रहा है वो भी आ रहा है सिक्स, और b जो आ रहा है वो भी आ रहा है सिक्स। अब जब हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे बेटा गौर से देखिएगा, अपर और लोअर लिमिट सिक्स एक्स आ गया, यू की पावर थ्री है और डी यू भी आ गया। डी यू किसके बराबर होता है, डी यू बराबर होता है फोर डी एक्स फोर एक्स डी एक्स के। जब तुम इसको डेरिवेटिव करोगे तो पावर फोर नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ऐसी बात है फंक्शन में डेरिवेटिव मौजूद है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पावर थ्री प्लस वन, यहां करके दिखा रहा हूं जरा आप गौर से देखिएगा, पावर थ्री प्लस वन
यानी के U की पावर 3 प्लस 1 4, नीचे भी आ गया 4, प्लस C और अपर और लोअर लिमिट लगा दी 6, 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा। अब लिमिट U की पावर 4 माइनस U की पावर सॉरी प्लस C होल पावर 6 एंड 6, जब आप लिमिट को अप्लाई कर दोगे तो एक दफा 6 पावर 4 और एक दफा 6 पावर 4 दो दफा आएगा, कैंसिल होने की वजह से 0 बन जाएगा, 0 से डिवाइड करने की वजह से 0 बन जाएगा। दो दफा आप अपने लिमिट को पुट करेंगे, एक अपर और एक लोअर। तो यहां पर आपने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया, इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट भी सीखा और अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप अपर और लोअर लिमिट को भी चेंज करेंगे। U के हिसाब से आपने अपर और लोअर लिमिट बतानी होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? टाइम बहुत कम रह गया, जल्दी से इसको कॉपी